सभी किसान साथियों ने गण गणी राम राम सा। किसान साथियों कलौंजी की खेती, साथियों कलौंजी जिसे अपा मगरेला या कालबाजी के नाम से जाना जावा है। साथियों कलौंजी एक औषधीय नकदी और मसाले वाली फसल है। इसकी खेती मुख्य रूप से बीज उत्पादन के लिए करी जावे हैं। इनका बीज हल्का छोटा व काले रंग का देखबा में मिले हैं। इनके बीजों का उपयोग मसालों के रूप में, अचार में, यूँ बीजों से प्राप्त तेल का उपयोग कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाबा में करे हैं। इका तेल सू कैंसर, मधुमेह, दिल की बीमारियों के साथ साथ पथरी और कमर दर्द जैसी गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जावे हैं। तो साथियों आइए जानते हैं कलौंजी की खेती की विस्तृत जानकारी। साथियों कलौंजी की खेती के लिए आवश्यक जलवायु, कलौंजी की फसल के लिए आर्द्र एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़े हैं। शुरुआत में ज़्यादा ठंड की आवश्यकता रहे है और उसके बाद जब हमारी फसल पकने की अवस्था में रहे उस टाइम में अधिक तापमान अर्थात गर्मी की आवश्यकता रहे है। कलौंजी के बीजों का अंकुरण के समय सामान्य तापमान तथा बढ़वार के समय ठंड की आवश्यकता पड़े हैं। वहीं दाना पकता समय लगभग 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता रहे हैं। अब बात करें साथियों मिट्टी की, तो अच्छी पैदावार लेबा के लिए जीवांश युक्त दोमट या काली मिट्टी की उसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। वैसे तो उसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं। अब बात करें भूमि की तैयारी। साथियों भरपूर पैदावार लेबा के लिए खेत की तैयारी आवश्यक है। इसके लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से कर खेत को भुरभुरा बना लेवे, उसके बाद पाटा चला करके खेत को समतल कर लेवे। अब किसान साथियों कलौंजी की उन्नत किस्में। साथियों कलौंजी की उन्नत किस्मों में NRC SS AN1 यह वैरायटी लगभग 140 145 दिन में तैयार हो जावे हैं और 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार देवा की क्षमता रखे हैं। पंत कृष्णा, साथियों यह वैरायटी भी 140 145 दिन में पककर तैयार हुए हैं और इनकी औसत पैदावार देवा की क्षमता भी 10 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हैं। वहीं आज़ाद कृष्णा, साथियों यह वैरायटी 145 दिनों में पककर तैयार हुए हैं और लगभग 10 से 12 क्विंटल औसत पैदावार देबा की क्षमता रखे हैं। NS 32, साथियों कलौंजी की सबसे बेहतरीन किस्म है NS 32। साथियों यह 145 से 150 दिन में पककर तैयार होती हैं, वहीं 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। साथियों NS 44, यह कलौंजी की नई वैरायटी हैं, यह भी अधिक पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। तो साथियों इन वैरायटियों में से आप किसी भी एक वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब साथियों बुआई का समय, कलौंजी की फसल से भरपूर पैदावार लेबा के लिए अपने की फसल समय पर बुआई करनी है। इसकी बुआई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से अक्टूबर का अंतिम सप्ताह तक अपा कर सकाला। किसान साथियों अब आवश्यक बीज दर। कलौंजी का बीज प्याज के बीजों की तरह हल्का और काले रंग का होता है, इसलिए 8 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता रहती है। बुआई की विधि, साथियों कलौंजी की बुआई 2 विधियों से कर सकते हैं, छिटकाव विधि से और लाइनों में। साथियों अगर आप लाइना में बुआई करा तो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें और बीजों को 1.5 सेंटीमीटर से अधिक गहरो ना बोवे, अन्यथा बीजों का अंकुरण प्रभावित पड़ेगा, बीजों का अंकुरण कम होगा। साथियों हमेशा बुआई पलेवा करके ही करें। अगर किसान साथियों अगर आप इसकी बुआई छिटकाव विधि से करा तो बीजों को समतल क्यारियों में समान रूप से छिड़काव कर ऊपर से हल्की मिट्टी या वर्मी कंपोस्ट खाद की परत बिछा देवा। साथियों वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना अच्छो मानो गया है। कलौंजी के बीजों का अंकुरण बुआई के 15 से 20 दिनों में हो जावे है। अब साथियों खाद और उर्वरक। किसान साथियों बम्पर पैदावार लेने के लिए लगभग 5 से 7 टन वर्मी कंपोस्ट या जिसे हम केचुआ खाद के नाम से जाने हैं, वहीं 35 से 45 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस, 10 से 15 किलोग्राम पोटाश, 5 किलोग्राम दानेदार सल्फर का उपयोग की आवश्यकता पड़े हैं। इनमें साथियों नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटाश और सल्फर की पूरी मात्रा, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की पूरी मात्रा जुताई की अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देवे।
नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को दो भागों में बांट लेवे और आधी मात्रा को बुआई के 30 दिन बाद और शेष मात्रा को बुआई के 55 से 60 दिन बाद फलिया बनते समय देवे। अब साथियों, इसके अलावा फूल आने से पूर्व NPK 052-34 50 ग्राम प्रति टंकी की दर से स्प्रे करें। दाने बनते समय 0050 का स्प्रे अवश्य करें। अब साथियों, निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण। साथियों, कलौंजी की फसल में समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा हमारी फसल की पैदावार में गिरावट हो जाती है। इसलिए प्रत्येक 30 दिन में इसकी निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सिंचाई। साथियों, कलौंजी की फसल में 6 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, अतः आवश्यकता अनुसार सिंचाइयाँ करें। कटाई। किसान साथियों, कलौंजी की फसल में जब दाने काले और चमकदार दिखने लगे उस समय कटाई कर देनी चाहिए। अब बाजार भाव की बात करें तो साथियों, कलौंजी के वर्तमान 2021 के भाव की बात करें, मंडी भाव की बात करें तो यह लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये प्रति कुंटल इसका भाव देखने में मिलता है। अब किसान साथियों, इसके कहाँ बेचें और इसके बीज कहाँ से प्राप्त करें? तो साथियों, इस कलौंजी की फसल को अपन मध्य प्रदेश की नीमच या मंदसौर मंडी में आसानी से बेच सकते हैं और उसके बीजों को भी वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगर आपने अब तक अपना कृषि खेती YouTube चैनल सब्सक्राइब न करे हो तो सब्सक्राइब कर जो, लाइक कर जो और शेयर जरूर कर जो। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।